सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ IMF से मुतालबे के बाद चीन का शदीद तरीन रद्द अमल सामने आ गया, धमाका खेज ऐलान कर दिया। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चीन ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि IMF से मुतालिक मामलात पर पाकिस्तान मुनासिब तरीके से निमट लेगा। IMF के अपने कायदे ज़ाबित हैं, पाकिस्तान को किसी की डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो दौर गुजर गया जब पाकिस्तान पर अमेरिका दबाव डालकर उससे अपने फैसले मनवाता था। चीन जनूबी एशिया में सरमायाकारी के लिए कायदे ज़ाबित मंसूबे में अमेरिका समेत तमाम ममालिक को शराकत दारी की दावत देता है। चीन तमाम ममालिक के साथ तरक्की और खुशहाली का सफर मिलकर तय करने का ख्वाहिशमंद है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान कैंग शुआंग ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से मुतल्लिक IMF मामले पर सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान मुनासिब तरीके से IMF के मामला तय कर लेगा। IMF के अपने कायदे ज़ाबित हैं, इसे किसी मुल्क की डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पाकिस्तान को किसी मुल्क की डिक्टेशन की ज़रूरत है। माइक पोम्पियो ने चीनी सरमायाकारों के कर्जे की वापसी पर जो कुछ पाकिस्तान के लिए कहा उसे पाकिस्तान बेहतर समझता है और कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं भी चीन की मदद की ज़रूरत होगी तो चीन पाकिस्तान के साथ भाइयों की तरह खड़ा होगा। जनूबी एशिया में सरमायाकारी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा है कि चीन जनूबी एशिया में सरमायाकारी के लिए और मंसूबे भी अमेरिका समेत तमाम ममालिक को शराकत दारी की दावत देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।